सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, हेलो एवरीवन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू की डेट्स आ गई हैं और हमने जो उसका प्लान बनाया मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंटरव्यू के लिए जो हमारा बैच शुरू हो रहा है वो विद इमीडिएट इफेक्ट शुरू हो रहा है। ऑफ कोर्स ये एक फ्री बैच है, एज आई प्रॉमिस्ड इन द बिगिनिंग लास्ट जून में कि आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम ऑल कॉम्प्रिहेंसिव करवाएंगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव रिपोज देयर फेथ इन अस और उन्होंने हमें अप्रोच किया इंटरव्यू के लिए। तो ऑलरेडी वी आर टू ओवरवेल्म्ड विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने उनके मॉक्स को बहुत सिस्टमेटिकली प्लान किया है। जो बच्चों का पंजाब PCS का मेंस नहीं हुआ या जो अभी हरियाणा एचएस की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए भी ऐसी ही एक्टिविटी की जाएगी, तो आप भी इसको वीडियो को देख सकते हैं। एनीवेज, जो हमारे पास टाइम कम है, 31 मई से स्टार्ट है इंटरव्यूज़, तो हमने किस हिसाब से प्लान किया है कि सबसे पहले हमने एक फाउंडेशनल आपके लिए कुछ क्लासेस रखी हैं विच आर स्टार्टिंग विद इमीडिएट इफेक्ट टुडे ओनली। इनमें हम आपको कुछ बेसिक सी चीज़ों के लिए गाइड कर सकते हैं। जिन्होंने एक्सपीरियंस लोग हैं, जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं और कई 8-10 साल से मेंटरशिप दे रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, दे विल टेल यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, कैसे बैठा हुआ बच्चा एक इंटरव्यू देता हुआ किस पोस्चर में बैठा हुआ ग्रेसफुल लगता है, कैसे नहीं बैठना चाहिए, एंड दीज लिटिल थिंग्स। ये वाली बॉडी लैंग्वेज से लेकर और डूज एंड बेसिक कॉमन डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यूज, तो ये बहुत ज़्यादा क्लासेस नहीं होंगी, एक दो क्लास में ही आपको सफिशिएंटली बता देंगे। सेकंड जो है ये भी हम विद इमीडिएट इफेक्ट कर रहे हैं, भरत सर व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमने इंटरव्यूज़ के लिए बनाया हुआ है उसके ऊपर आपको कंटेम्प्रेरी इशूज ऑफ पंजाब, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन, आपको इसके बियॉन्ड भी जाना पड़ सकता है, आपको ये तो हम एक बेयर मिनिमम बता रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट रिसेंटली शी शोड अप एट आर इंस्टीट्यूट यस्टरडे फॉर द मॉक एंड शी हैड ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर वन इंटरव्यू अर्लियर, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ओनली, एंड शी वॉज टेलिंग अस दैट हर अर्लियर इंटरव्यू बैक इन 2018 वॉज ऑल अबाउट, लाइक वट आई कुड गेज, इट वॉज ऑल अबाउट फॉरन पॉलिसी। देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन हाउ इंडिया हैज़ बिन टैकलिंग चाइना और लाइक इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस एंड सो ऑन। तो आपको अदरवाइज भी एक बेसिक सी चीज़ें आनी चाहिए इसमें। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, अब मतलब कभी एक काफ़ी अच्छे मेंटर हैं, पहले वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाया करते थे, थोड़े बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, वो एक बात बोलते हैं, चाहे वो बात फैक्चुअली ट्रू है नहीं है, लेकिन मतलब द मैसेज ही कम्युनिकेट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऐसे बोलते हैं कि एक बार एक बंदा इंटरव्यू देने गया तो उससे 17 क्वेश्चंस पूछे, उसको 17 के आंसर नहीं आते थे, उसने बहुत ग्रेसफुली मना, मतलब उनको बोल दिया कि यार मुझे इसका आई कांट रिकॉल, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट, आई एम सॉरी। उसको 18वां क्वेश्चन आया, पूछा, उसको उसका आंसर बिल्कुल सही आता था, उसने उसका आंसर बिल्कुल सही दे दिया और उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ गए इंटरव्यू में। नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू, विदाउट गेटिंग इन टू द फैक्चुअल करेक्टनेस ऑफ दिस एनेक्डोट, द मैसेज दैट इज बींग गिवन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है मतलब इसका, जब आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको अगर उनके जवाब नहीं आ रहे तो हाउ यू रिएक्ट, आप फ्रेजल हो जाते हो, आपको ये लगता है ये क्या घटिया सवाल पूछ रहे हैं, ये तो क्या ही बात बनी, अब तो ये तो यहाँ पे बनता ही नहीं, ऐसे ऐसे वाले आपका जो एटीट्यूड है वो जो उस तरफ बैठे हैं ना बोर्ड में, वो बड़े लोग हैं, हमें विनम्र रहना है उनके सामने, वी गॉट टू बी पोलाइट। और ये ऐसा नहीं कि कोई फेक पोलाइटनेस दिखानी है, इन जनरल ऑल्सो यू शुड बी पोलाइट टुवर्ड्स दोस पीपल, उन्होंने कुछ अचीव किया है, वो आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी असेस कर रहे हैं, आप वहाँ पे डिसमिसिव स्टैंड लेकर बैठ जाओ, कॉन्डेसेंडिंग टोन में आप जवाब दे रहे हो, या आप ऐसे वाली फीलिंग दे रहे हो कि हाँ और पूछो, सो दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो इस तरह से मैं बोल रहा हूँ कि हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे, कुछ इशूज़ आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अरब इसराइल का जो चल रहा है इशू, या फिर CAA NRC, ये सब इशूज़ चल रहे हैं, कोवैक्सिन वर्सेज कोविशील्ड, कौन सी बेटर है, क्या हम कर सकते हैं बेटर, एंड देन ऑल दीज इशूज़ सराउंडिंग अस दीज डेज, पंजाब नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, ये आपको पता होने चाहिए। हम आपको एक लिस्ट देंगे, हम आपको इसके आंसर्स नहीं दे रहे हैं, वाई, बिकॉज आपके आगे मॉक्स और ये ऑनलाइन सेशंस अलाइंड हैं, वहाँ पे हमारे जो एक्सपर्ट्स, इंटरव्यू एक्सपर्ट्स, दे विल सी वेदर यू आर गिविंग आंसर्स विच साउंड रीजनेबल, लॉजिकल और नॉट, एंड देन ऑफकोर्स देर शैल बी फीडबैक इन्वॉल्व। तो फाउंडेशनल क्लासेस के बाद में आपसे हम ये कुछ ये शेयर कर रहे हैं। दूसरा, आपके ऑनलाइन सेशंस होंगे, डिपेंडिंग ऑन जब आपका मॉक हो जाएगा तो उसके फीडबैक के लिए आपके रेगुलर ऑनलाइन सेशंस होंगे। अब ऑफकोर्स जिस बच्चे का इंटरव्यू से मान लो
20 जून को है या 15 जून को है, उसको हम ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे कंपेयर टू उसका जिसका 31 मई को है, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। बट हमारी सपोर्ट या ना सपोर्ट करने से किसी के इंटरव्यू का कुछ नहीं डिसाइड होता। जिसके मार्क्स आने हैं उसके विदाउट चेतन भारत लर्निंग की एक भी वीडियो देख के भी आ जाने हैं, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए जिसका 31 को है इंटरव्यू और उसको सिर्फ मान लो हम एक मॉक ले पाएँ, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ लाइफ में उसको अंडर कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे वो एक मॉक भी ना लगाए तो भी पूरे कॉन्फिडेंस से आप जाके इंटरव्यू दे के आने हैं, ठीक है। कोई पेटेंट नहीं होता किसी भी इंस्टीट्यूट का, इंक्लूडिंग एंड स्पेशली आर्स, यार हम ही पढ़ा रहे हैं हमें ही पता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके ऑफलाइन इंटरव्यूज होंगे। ये मैं चाहता हूँ कि हर वो बच्चा जो अटेंड कर सकता है वो करे। इसके लिए हमने भी बहुत मेहनत की है। कोविड टाइम्स में जब कोई अपने घर से निकलने के लिए भी तैयार नहीं है, उस समय काफ़ी बड़े बड़े लोग, पीपल फ्रॉम इंडियन आर्मी, ठीक, पुराने रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स एंड कर्नल्स जो हैं, ऑल रिस्पेक्टेड पीपल, वो एजुकेशनिस्ट हैं कुछ हमारे, ठीक, कोई बहुत बड़े पंजाब के पुराने ब्यूरोक्रेट्स, वो सब आ रहे हैं इंटरव्यू लेने। द वॉज सो स्वीट ऑफ देम। तो मुझे लगता है कि आपको इस अपॉर्चुनिटी का लाभ भी उठाना चाहिए, दूसरा उनके इस एफर्ट को अप्रिशिएट भी करना चाहिए आपको। तो ये हम चार चीज़ें आपके साथ में प्राइमरीली कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। इसका शेड्यूल क्या है? वो बच्चे जिनका पीपीएससी इंटरव्यू 31 मई से लेकर 6 जून तक है, उनके मॉक्स होंगे 28 और 29 मई को। अब हमारे पास जिन बच्चों के फॉर्म्स आ चुके हैं जिनका इन दो डेट्स इस फर्स्ट वीक ऑफ जून में इंटरव्यू है, उनको हम आज मैसेज डाल देंगे, उनको स्लॉट बता देंगे कि उनका 28 को मॉर्निंग स्लॉट है, इवनिंग है, 29 को मॉर्निंग है, इवनिंग है, इस हिसाब से। अगर आपका इस स्लॉट के बीच में इंटरव्यू है और आप मॉक लगाना चाहते हैं, तो एट द सूनेस्ट आपको हमें कुछ ऐसा सा फॉर्म प्रोवाइड अपना कर देना। ये जैसे किसी बच्चे ने दिया है, ऑफकोर्स आई हैड टू लाइक ब्लर देयर डिटेल्स, तो इस तरह का आप अपना फॉर्म जो है वो आप हमें भेज देंगे अलॉन्ग विद योर मेंस रोल नंबर एंड इंटरव्यू डेट, तभी हम उस हिसाब से उसको शेड्यूल कर पाएंगे। ये आपने भेजना है हमें info@chetanbharat.com पर। जो लोग जो है 15-20 बच्चे जिनका इस वीक के अंदर आ रहा है हमारे पास उनके फॉर्म्स हैं, उनको अभी हम भारत सर उनका शेड्यूल उनका एलोकेट कर देंगे, ठीक। जब आपने आना है मॉक्स देने तो हम चाहते हैं कि आप फॉर्मल्स में आइए, जो मतलब जैसे से लड़के हैं तो एकदम फॉर्मल क्लोथ्स पहन के हैं, थोड़े से वैसे ही वाले कलर्स, जैसे आप बनना चाहते हैं लाइफ में, आपको लगता है हम ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आई विल ड्रेस अप लाइक दिस, आई विल वर्क लाइक दिस, तो वैसा वाला यू कैन लुक एट एक्स ब्यूरोक्रेट्स फॉर इंस्पिरेशन, नंबर वन। नंबर टू, जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, आई वुड सजेस्ट कि वो भी कॉटन के, मतलब जैसे होते हैं ना ये फैब इंडिया वगैरह के सूट्स और साड़ीज, एनीथिंग दैट दे मे प्रेफर, फॉर्मल्स पहन के आइए और न्यूट्रल कलर का पहन के आना, कुछ बहुत स्ट्राइकिंग, बहुत चमकीला, चटक भटक ना, वो हम इंटरव्यू के लिए रेकमेंड करते हैं और हम यहाँ पे भी वही चाहते हैं कि आप वही पहन के आइए। जो कैंडिडेट्स टर्बन पहनते हैं उनको भी ये कि बहुत स्ट्राइकिंग, बहुत कलरफुल, चटक पटक ना पहन के, चमकीला वमकीला कुछ ना पहन के, एकदम सिंपल सोबर, आपको फॉर्मल जैसे इंडियन ब्यूरोक्रेसी ड्रेसअप करती है फॉर्मल इवेंट्स पे, वैसा सा आप ड्रेसअप करके आना। ये कुछ हमने सजेशन आपको दे रहा हूँ मैं, कुछ कलर पैलेट्स, इसके बियॉन्ड भी मतलब बहुत सारे आपको मिल सकते हैं, हम आपसे शेयर भी कर देंगे, तो आप वैसा सा कुछ भी आप पहन सकते हैं। लेकिन जब आप आएंगे तो थोड़ा सा मॉक इंटरव्यूज के लिए आपको आना है फॉर्मली तैयार होने का, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये लो मैंने जी पहन लिए फॉर्मल कपड़े, थोड़े से आपके फ्रॉम योर हेयर टू द वे, जस्ट द वे यू आर, आपको थोड़ा अच्छे से शालीन तरीके से बन के आना इधर, ठीक, इंटरव्यूज़ के लिए। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि चेतन सर और भरत सर बैठ जाएंगे और क्या ही फ़र्क पड़ता है, चल अपने दोस्ती हैं, ठीक। तो वहाँ पे अब मतलब इफ़ पीपल फ्रॉम आर्मी, पीपल फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी, दे आर कमिंग टू टेक योर इंटरव्यूज, देन वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, क्लियर। तो ये दूसरी चीज़ हो गई, एंड ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको हमें ये भेजना है जिनको जो अभी चाहते हैं, और ये जिनका फर्स्ट वीक में इंटरव्यू है वो हमें आज भेज देंगे तो हम आपको आज या कल में, नॉट इनफैक्ट कल, अब हमें आज भेज देंगे तो हम आपको कहीं पे इसको वो कर देंगे, फिट इन कर देंगे, ठीक। और इंटरव्यूज़ होंगे कहाँ पे? मोहाली में, ठीक, मोहाली में जो हमारा ऑफिस है उसके ऊपर हमने एक ओपन एरिया तैयार किया है, वहाँ पर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। एंड इन द मीनवाइल अब हम चाहते हैं कि आप कुछ क्वेश्चंस थोड़े से अपनी तरफ से तैयार करके आना, हालांकि इनके ऊपर हमारे कुछ सेशंस लगेंगे, बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर रहे हैं जो इंटरव्यू के लिए बना हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर नेम, बेसिक सी चीज़ें जो आपको अदरवाइज पता भी होनी चाहिए, व्हाई यू वांट टू बिकम एन आईएएस और पीसीएस ऑफिसर इन आर केस, हु इज़ योर रोल मॉडल,
Who has motivated you to opt for these services? Why you want to leave your original profession? For example, yesterday only a very promising student came up to us and she had already appeared in the interview. And in her last interview, the interview was primarily based on this thing only, that you're already a doctor. Why would you want to come to the services? When the gentleman on the other side said that I have this strong opinion that being a doctor is more rewarding and more respectful, you know, a profession compared to being in the Punjab services. Anyways, so you have to gracefully tackle that question. So aapko ye karna hai, why you want to leave your original profession? How do you have jo bhi aapki hobbies hain, why have you developed this hobby? Why we should select you and you only? What will you do if you're not selected? This question was recently asked to one of our students in ek dusre interview mein. To uska bahut acche se answer unhone taiyar kiya tha. Why have you taken this जॉब प्रेफरेंसेज जो भी आपने भरी होती हैं. वट विल बी योर प्रायोरिटीज़ आफ्टर बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिचुएशन वेयर वर यू वर सिंसेयर एंड ऑनेस्ट टूवर्ड्स द कम्युनिटी इन जनरल. टेल अस अबाउट योर सेल्फ. वट हैव बीन योर स्ट्रेंथ्स. वट आर योर वीकनेसेज. वट आर योर पर्सनल गोल्स. वट हैव यू बीन डूइंग सिंस योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन. और मैं जी UPSC की तैयारी कर रहा था पिछले 8 साल से. इज़ नॉट नेसेसरली वेरी नाइस आंसर. If you are given the choice to opt for SDM, ETO, DSP, Tahsildar, which of these would you take and why? In which region of the state would you prefer to be posted? Sir, मैं तो मैं मोहाली ला दो, पटियाले ला दो, ठीक है, उत्थे वधिया मैनू, ठीक, नाले चंडीगढ़ नेड़े है. तो इस तरह से आपको बेसिक बेसिक सी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, ये आपको तैयार कर लेनी है. सो टू कंक्लूड आई वुड अगेन से कि जिन बच्चों का 31 May to 6 June के बीच में है इंटरव्यू, वी ऑलरेडी गॉट अलॉट मैनी ऑफ देम विद अस. इफ़ अगर आपका है तो मैक्सिमम वी कैन हेल्प यू इज़ कि आप हमें अब अपना ये भेज दीजिए फॉर्म, कुछ ये वाला जो आपके पास होगा, एंड देन डिपेंडिंग ऑन योर डेट हम आपको विल ट्राई टू फिट यू इन. दोज हु हैव सेंट अस दिस ऑलरेडी, आपको आज आपका मॉक शेड्यूल मिल जाएगा और आपको आज से सेशंस भी मिलने शुरू हो जाएंगे. I wish you all the best. जो बच्चों का पंजाब PCS का इंटरव्यू है, आपकी मेहनत रंग लाएगी. आप 8 जून से तो वैसे ही लगे हुए हैं जब से हमने कोर्स अनाउंस किया, और कई बच्चे तो उससे भी पहले के साल 2 साल से लगे हुए हैं. लेकिन जो बच्चों का इंटरव्यू नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको पता भी नहीं लगेगा अगला PCS कब आ जाएगा. HCS तो इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर. जब भी माहौल ठीक होगा तो हरियाणा HCS का पेपर होगा. UPSC की जो तैयारी कर रहे हैं उनको हम बस ये बताना चाहते हैं कि हमारा पंजाब PCS तो टचवुड बहुत अच्छे से, मतलब ऑलरेडी तकरीबन 65-70 रिज्यूम्स हमारे पास आ चुके हैं. हरियाणा HCS हमारा अगला किला है जो हमने फतेह करना है, और फिर UPSC. मेरा ऐसा मानना है कि स्टूडेंट्स को, अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी हु इज़ डूइंग लाइक देयर हार्डवर्क, मुझे ऐसे लगता है कि स्टूडेंट्स को दिल्ली जाकर 2-2 लाख रुपए देने की ज़रूरत नहीं है. आपको कोई भी एक अच्छी टीम, अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, कि ऐसा नहीं है कि चेतन भारत लर्निंग का कोई पेटेंट है, कोई भी एक अच्छी टीम कंसिस्टेंटली अच्छे से गाइड करे. आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको कोई अच्छे से गाइड करे. जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमें अब इश्यूज़ की बैकग्राउंड्स भी पता होनी चाहिए, हैंस यू नीड अ गाइड हु कैन टीच यू. हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, अब मैं मेडिकल बैकग्राउंड से, मैं पहली बार पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, मुझे कोई चाहिए जो मुझे एक्सप्लेन कर दे, हैंस यू नीड एन इंस्टीट्यूट, यू नीड अ टीचर. आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप आंसर्स लिखते हैं, और आपके पास में कोई गाइड है जो आपको कंसिस्टेंटली गाइड करता है. UPSC भी कोई इतना बड़ा किला नहीं है जो फतेह नहीं हो सकता एक अटैम्प्ट में. अगेन आपको ये समझना है कि 5-6 लाख बच्चे पेपर भरते हैं, देते हैं, उसमें से 30-40 हज़ार बच्चे जो हैं जो सीरियस होते हैं. होना किसी UPSC, अगर मैं बात करूँ, किसी 800-900 का ही है, डिपेंडिंग ऑन कितनी उन्होंने पोस्ट निकाली हैं. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस बच्चे को UPSC में भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आई तो वो कोई कम इंटेलिजेंट हो गया. तो कीपिंग द लक फैक्टर असाइड, मैं लक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 8-9 महीने हमारे साथ में UPSC की प्रिपरेशन करेंगे, जिस तरह से हम बोल रहे हैं वैसे कंसिस्टेंटली आप 9-10 महीने हमारे साथ UPSC की प्रिपरेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह हम UPSC के लिए भी इसी तरह से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे होंगे. आप हरियाणा HCS में तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है हमारे पास हरियाणा HCS में.
एच सी एस में तो हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि द रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस, बिकॉज वहाँ पे हम पंजाब पी सी एस में जो हमने पढ़ाया उससे सीख के हम और बेटर पढ़ा पाए, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि अब हमारे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है, उसमें भी हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं बच्चों के लिए। नंबर टू, जो हरियाणा एच सी एस मैक्सिमम बच्चे दे रहे हैं, वो ज़्यादातर बच्चे जो हमारे साथ हैं उन्होंने ऑलरेडी या तो हमारा पी सी एस भी लगाया था या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ पढ़ा हुआ है। सो मैं आपको ये बोलूँगा, आजकल आप घरों में बैठे हैं, मोस्ट ऑफ़ यू, अभी मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिनको इंटरव्यू कॉल पंजाब पी सी एस की नहीं आई, आप घरों में बैठे हैं, यू माइट बी फीलिंग अ लिटल डिजेक्टेड कि मैं करूँ क्या लाइफ में, एवरी थिंग इज़ गेटिंग पोस्टपोन्ड एक्सेप्ट फॉर माई एज। आप घर पर बैठे बैठे, आप 24 के थे, आज आप 25 के हो गए हो, 26 के हो गए हो, जब से ये कोविड का द होल फियास्को स्टार्टेड। आई वुड सजेस्ट कि आप मोटिवेशन मत अपनी लूज़ कीजिए, वन डे एट अ टाइम बस आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, किसी एक दिन पेपर हो जाएगा, किसी एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगी। अगर मैं पंजाब पी सी एस का एग्जाम्पल लूँ तो इनकी नोटिफिकेशन कब आई थी, कोविड के टाइम पे। बधाई देनी चाहिए मैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को, वी शुड लाइक हैव रिस्पेक्ट फॉर देम इन द सेंस कि उन लोगों ने कोविड के टाइम्स में प्रीलिम्स भी लिया है, टाइम दे के सफिशेंट, जैसे उनको लगा उन्होंने प्रीलिम्स भी लिया है सक्सेसफुली, उन्होंने मेंस भी लिया है सक्सेसफुली, और अब इंटरव्यू भी ले रहे हैं, ठीक। तो इसी तरह से हरियाणा की सरकार भी इवेंचुअली ऐसा ही करेगी, जैसे उनको सिचुएशन अलाउ करेगी वो प्रीलिम्स भी लेंगे, मेंस भी लेंगे, इंटरव्यू भी लेंगे। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट सिचुएशन और हैविंग दिस हेजी विजन क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक इफ़ यू कैन डिवेलप दी टाइगर, किसको बोलते ना कि वो टाइगर की आँख या ईगल आई वो व्यू की, यार ये मेरा बस ऑब्जेक्ट सॉर्ट है, मैंने ये करना है लाइफ में, ये मैंने फॉर्म भरा हुआ है, मैं एच सी एस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इंटरव्यू देना है, आई थिंक कि जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और फोकस तरीके से मेहनत करेगा, आई डोंट सी एनी रीज़न कि उनको इंटरव्यू की कॉल क्यों नहीं आएगी। बाकी अगर आपको लगता है आप हमारे साथ 3-4 महीने से जुड़े हुए हैं, जो नए बच्चे हैं हरियाणा एच सी एस के भी, और पंजाब वाले तो अब मतलब साढ़े कहना प्रेमी हो गए हैं, हूँ सापा 8-9-10 महीने हो गए हैं नाल, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है हम किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं तो डोंट हेजिटेट टू रीच आउट टू अस, वील ट्राई आर बेस्ट। सो वंस अगेन आई प्रे टू द अलमाइटी कि बाबा जी ने सारे बच्चों की मेहनत नू फल लाण, ते बच्चे सारे सिलेक्ट होण, सब बच्चों का इनका अच्छा अच्छा इंटरव्यू हो, और आप लोगों को भी जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम में सक्सेस मिले और आपको भी इंटरव्यू कॉल आए। ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर।